हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, मैं आप लोगों का दोस्त गौरव बसेटिया आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल जीरी टेक पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए एक नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, जो कि शाओमी ने अभी लॉन्च किया है, जिसका नाम है रेडमी एयरबड्स एस। जी हाँ, तो चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। लेकिन अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले आपको यहाँ नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन और उसके साथ बेल आइकन दिख रहा होगा, उन दोनों को आप क्लिक कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको लाइक का ऑप्शन दिख रहा होगा, कमेंट का दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप लाइक एंड कमेंट दोनों कर दीजिए, आपको ऐसा थम दिखेगा ऐसा। जी हाँ, तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है। चलिए, ये रहा हमारा बॉक्स Redmi Earbud S का। जी हाँ, छोटा सा बॉक्स है, आगे नाम लिखा है, इमेज है, पूरा ऑरेंज बॉक्स है, साइड में Redmi Earbud S, पीछे की साइड इसके स्पेसिफिकेशन और क्या क्या हमें मिलता है वो सारी चीज़ लिखी है। जी हाँ, तो चलिए अब इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ें इसमें। जो कनेक्शन रेंज हमें बताया गया वो है 10 मीटर का Xiaomi की तरफ से। बैटरी कैपेसिटी 43 mAh की है पर ईयरबड्स। म्यूज़िक प्लेबैक टाइम है 4 घंटे बताया गया है। चार्जिंग अप्रोक्स चलता है, जो चार्ज होता है वो 1.5 घंटे में होता है। केस की जो चार्जिंग है वो 12 घंटे तक रहती है। IPX रेटिंग IPX4 की दी गई है, एयरबड्स की ओनली, नॉट इन नॉट केस। और हम केस की बात कर लेते हैं, तो चलिए अभी देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या मिल जाता है। इसमें कुछ ईयरबड्स मिलते हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं, ये यूज़र मैनुअल मिला हुआ है। और इसके साथ ना कोई वायर है ना ही कोई अडेप्टर है, तो आप नॉर्मल जो घर में वायर है अडेप्टर है उससे आप चार्ज कर सकते हैं इसे। तो ये रहा हमारा जो मेन डिवाइस है, ऊपर आप देख सकते हैं मैट फिनिश है, उस पर लिखा है रेडमी सेंटर में। ये हमारे दोनों ईयरबड्स छोटे से एकदम, आप देख सकते हैं एकदम, देखिए हाथ में भी नहीं आ रहा है, स्लिप हो रहा है। मैट फिनिश है, मैट फिनिश जो है ऑलमोस्ट स्लिप होती रहती है। और दोनों का टच बटन नहीं है, क्लिक बटन है, जो कि बहुत ही अच्छा है, लाइक जैसे टच हो रहा है उसकी तरह है। तो ये हमारे ईयरबड्स। केस की बात कर लेते हैं, केस का जो चार्जिंग टाइम है वो अप्रॉक्स 2 घंटे है। बैटरी कैपेसिटी 300 mAh की, और ये कनेक्ट होता है ब्लूटूथ 5.0 से भी, जो कि लेटेस्ट है। तो गाइज, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए।